इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में जो कि गोड्डा से पीरपैंती के बीच रेलवे बना रही है। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले हमारे इस चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल भारतीय रेलवे की तरफ से गोड्डा और पीरपैंती रेलवे लाइन के लिए एक बड़ी अपडेट जारी की गई है, जिसके अनुसार 506 एकड़ जमीन की अधिग्रहित की गई राशि को स्वीकृति कर दिया गया है और इसके दौरान महागमा से लेकर पीरपैंती तक यह प्रोजेक्ट के लिए भूमि का अधिग्रहण का प्रक्रिया तेज हो चुका है। पूर्व रेलवे की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार बताया गया कि गोड्डा से महागमा अंचल तक 28 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के लिए पूर्व में ही जमीन अधिग्रहण का काम कंप्लीट कर लिया गया है। अब उसे 68 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा, जिसके अंतर्गत गोड्डा पीरपैंती के बीच 70 किलोमीटर लंबी रेलवे प्रोजेक्ट में रेल मंत्रालय की ओर से पूरी राशि दी जाएगी। हालांकि अभी फिलहाल कई जगहों पर काम चालू है, लेकिन उम्मीद फिलहाल अभी यहां के क्षेत्र के लोग लगाए बैठे हैं और ऐसे में पीरपैंती जसीडी के बीच 127 किलोमीटर लंबी उक्त परियोजना को भी जल्द कंप्लीट करने की योजना बनाई गई है। ऐसे में पहले फेज में गोड्डा से महागमा तक 28 किलोमीटर रेलवे लाइन के लिए 468 करोड़ रुपये का टेंडर भी निकाल दिया गया है। यह प्रोजेक्ट भागलपुर के बटेश्वर स्थान नगछिया रेलवे पुल से कनेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही देवघर गोड्डा और पीरपैंती के साथ साथ उत्तर बिहार के कई जिला आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसे में पूरी योजना को जल्द कंप्लीट करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल अभी कई जगहों पर विभिन्न फेजों में काम चल रहा है। आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ लेटेस्ट प्रोजेक्ट के डिटेल की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।